किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कमाल कर दिखाएंगे। वैसे सज्जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो कहते भी नहीं हैं और वो कर भी देते हैं। ये तस्वीर आपने देखी, और रैपिडेक्स में चूंकि हम लगातार मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी सुविधाओं से ये लैस है। ऐसा लग रहा है कि हम भारत में नहीं बल्कि कहीं विदेश में हैं, और इसीलिए तो आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और भारत के बढ़ते कदम को आज पूरी दुनिया देख रही है। कि फिर चाहे हम सुविधाओं के बात अगर करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो हर सेक्टर में आज भारत अच्छा कर रहा है। और देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, विमेन ओनली यानी कि सिर्फ महिलाओं की बोगी ये है। रैपिडेक्स में एक बार आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर फटाफट से कपिल ज़रा अंदर आइए, और यहाँ पर अब आपको तस्वीर दिखाएंगे कि महिलाओं की जो बोगी है। देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इकोनॉमिक क्लास जो है ये इसमें आता है। सबसे पहले प्रीमियम क्लास थी, ठीक है। प्रीमियम क्लास के अलावा बाकी जो पांच बोगियाँ हैं वो है इकोनॉमिक क्लास की, और इकोनॉमिक क्लास में सबसे पहले ये वाली बोगी है, और ये महिलाओं के लिए बनाई गई, स्पेशल महिलाओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आपने देखा इसको थीम थोड़ी पिंकिश रेडिश टाइप कलर दी गई है, और चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पर भी वही सिटिंग कैपेसिटी फिलहाल वैसी ही है। 2x2 की यहाँ पर सीट्स आपको दोनों तरफ नज़र आएगी, और बीच में जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पर 3 से 4 महिलाएं बैठ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें अलग क्या है, इसमें एक चीज़ अलग है क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिक क्लास में आती है महिलाओं वाली बोगी, और लेकिन यहाँ पर अब आपकी जो सीट है वो मूव नहीं हो सकेगी। जैसे कि प्रीमियम बोगी में आपने देखा था कि सीट्स मूव हो पा रही थी, यहाँ पर अभी सीट्स मूव नहीं हो पा रही है। लेकिन बाकियों की तरह इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर भी कर्टन्स फिलहाल नहीं लगे हुए हैं क्योंकि वो प्रीमियम बोगी में लगे हुए हैं, ये इकोनॉमिक बोगी में आता है। और चार्जिंग पॉइंट्स तो यहाँ पर भी है, और अब आपको हम लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर भी फिलहाल देखिए सामान को रखने की व्यवस्थाएं, क्योंकि लगेज हमेशा कई बार लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लगेज रख सकते हैं लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप खड़े हुए हैं तो फिर आप यहाँ से सहारा ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको महत्वपूर्ण बताती हूँ, जैसे कि आपने अगर इससे पहले ट्रेन्स में देखा होगा या फिर मेट्रो में आपने देखा होगा तो हमेशा सिंगल ये चीज़ लगी हुई होती थी, और इससे लोग पकड़ते थे, सहारा लेते थे। लेकिन कई बार मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम देखते हैं कि लोगों को हाथ कहाँ पर रखना है उसके लिए परेशानी आती है, तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि इधर भी लोग खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं, तो इसका अच्छे से हाथ पकड़ सकते हैं। महिलाओं की बोगी में एक और चीज़ हम आपको फटाफट से बता देते हैं, ना सिर्फ महिलाओं में बल्कि हर जगह पर ही ये हर जगह पर नंबर्स दिए गए हैं। वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो फिर आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में, और अगर आपात स्थिति में आपको दरवाजे खोलने हैं तो वो भी फिलहाल तरीका बताया गया कि पारदर्शी ढक्कन ध्यान से सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है, फिर नॉब को जिसके अंदर नॉब है उसको घुमाना है आपको, और उसके बाद फिर ओपन द डोर बाय हैंड, उसके बाद आप डोर को अपने हाथों से खोल सकते हैं। तो महिलाओं के लिए भी देखिए खास चीज़ें इस बार यहाँ पर ध्यान में रखी गई है। लेकिन हमने आपको बताया कि कहते हैं ना कि उत्तम तकनीक से लैस है ये रैपिडेक्स, और यहाँ पर तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर दिल्ली वासियों को होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की झलक आपको इस रैपिडेक्स में नज़र आएगी। और जाहिर तौर पर आने वाले समय में ऐसी और भी रैपिडेक्स चलाई जाएगी अन्य राज्यों के लिए, और खूब विकास होगा हर राज्य का और देश का भी। साथ ही कैमरामैन कपिल के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, साहिबाबाद।